हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम 2018 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एयरफोर्स नेवी और SSGD में आने के चांसेस है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला है, 2018 में कौन सा कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया? तो ये था 21वां कॉमनवेल्थ गेम था। अगला क्वेश्चन है, 21वां कॉमनवेल्थ गेम में कितने देशों ने भाग लिया? तो टोटल देश ने 71 देश ने भाग लिया। अगला है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था? तो 21वें कॉमनवेल्थ का शुभंकर था बॉर्बी, जो एयरफोर्स 2018 में आया था। देखिए कितना तारीख, 13 तारीख को आया था ये। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 का मोटो क्या था? तो मोटो था शेयर द ड्रीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सी बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? तो ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार मेजबानी की। अब देख लेते हैं कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा कॉमनवेल्थ गेम में। तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा, जिन्होंने गोल्ड 80 जीता, सिल्वर 59, ब्रॉन्ज 59, टोटल टोटल 198 मेडल जीता। अगला है इंग्लैंड, इंग्लैंड ने टोटल गोल्ड 45 जीता, सिल्वर 45 और ब्रॉन्ज 46 और टोटल 136। अगला है इंडिया, ये इंडिया तीसरे स्थान पर था, जो गोल्ड 26 जीता, सिल्वर 20 और ब्रॉन्ज 20, टोटल 66 मेडल जीते। अगला है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने टोटल 66 पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर भारत ने रहा। और अगला क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल में शूटिंग में सबसे ज़्यादा कितना, 16। अगला है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहे? तो ध्वजवाहक फर्स्ट में रही थी PV सिंधु। अगला है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम में अंतिम समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही? तो अंतिम मैरी कॉम थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीता है? तो 21वें राष्ट्रमंडल में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली है मणिका बत्रा, जो टेबल टेनिस में जीती है 4। अगला है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किया है? तो राज्य की बात होती है तो हरियाणा, हरियाणा ने 22 पदक में 9 गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बनी है कौन बने हैं अनीश भनवाला। अगला है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने, जो 48 kg वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था। अगला है, हाल ही में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने 26 गोल्ड मेडल जीता है। किस खिलाड़ी ने लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? तो 3 बार जीतने वाला राष्ट्रमंडल खेल ये सुशील कुमार।
अगला है, 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड बर्मिंघम में। अगला है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस कॉमनवेल्थ गेम में जीता था? तो 2010 में दिल्ली में सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जीता था भारत ने। अगला है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल निम्न में से किसने जीता? तो पहला गोल्ड मेडल फ्लोरा डफी ने जीता था। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है, कौन बनी है? मैरी कॉम ने। अगला है, वह एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के बैडमिंटन एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो है सानिया नेहवाल। अगला है, महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो भारतीय महिला है मणिका बत्रा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एयरफोर्स नेवी और एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। और कहीं ना कहीं जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसके आने के चांसेस बहुत है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगा।